अस्सलाम वालेकुम आप सबको। मेरा नाम पहलाज राजपूत है और मैं अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर प्रेजेंटेशन बोर्ड में हमने किस तरीके से करनी है कि हमें मार्क्स गेन करने में बहुत ही आसानी हो। इसके लिए हमें एक 604, एक पेन और एक स्किल की जरूरत है, क्योंकि जो न्यू स्कीम आई है उसके हिसाब से पहले तो हमें 605 की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब उसके लिए एक तरीके से मना तो नहीं खैर, लेकिन उन्होंने एक रियायत दे दी है कि हम उसको अगर यूज ना भी करें तो चलेगा। तो अब हम इसको इस तरीके से, हमने इसको लाइनें इस तरीके से लगानी है कि हमें इस तरह कि जो एग्जामिनर है उसको ये ना लगे कि हमने जगह कवर करने की कोशिश की है। तो अब हम जब इस तरीके से पेपर को प्रेजेंट करते हैं कि जो एग्जामिनर है उसको ये ना लगे कि इसने या तो जगह कवर की है या उसके पास मवाद कम था। हमने इस तरीके से करना है कि पेपर जिसके पास जाए उसको यार पता चले कि एक पेपर को उस बच्चे ने इतने अच्छी तरीके से लिखा है और इतने अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है कि कुछ एग्जामिनर्स होते हैं जो प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स जो है उसके अंदर ऐड करते हैं, कुछ नहीं भी करते, ये उनके मूड पे डिपेंड करता है, आपके लक पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम प्रेजेंटेशन एक हमारा बहुत ही अहम हिस्सा होता है। अब हम जो इंस्टीट्यूट्स हैं, काफी इंस्टीट्यूट्स के अंदर सिर्फ हमारी प्रेजेंटेशन के ऊपर ही वर्क होता है। ठीक है, अब मैंने सिंध बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है और दूसरे जो बोर्ड्स हैं, इदारे हैं, उनके अंदर भी इस तरीके से प्रेजेंटेशन का एक तरीके से है मयार है कि उन प्रेजेंटेशन को वो बहुत ज्यादा काउंट करते हैं। ज़्यादातर अगर हम पेपर्स पे तवज्जो दें तो हमने देखा है कि जो हम सबसे पहले ज़्यादातर शॉर्ट आंसर्स ही सॉल्व करते हैं अपने पेपर्स, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो हमने पेपर को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि हमने हाफ जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो हाफ पेपर पे आ जाए, क्योंकि जो आगे वाला पेपर होता है वो ये ना लगे एग्जामिनर को कि हमने पूरा का पूरा पेज जो है हमने सिर्फ प्रेजेंटेशन पे कर दिया है, हमने आधा पेज प्रेजेंटेशन करके अब अगले से हमने स्टार्ट करना है। इस लाइक अगर हम पहले से स्टार्ट करते हैं, हमने पहला लिखकर हमने कर दिया कि अगर हम कोई भी उसकी एग्जाम्पल लेते हैं, चले अगर हम कंप्यूटर की एग्जाम्पल लेते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर अगर वो कहता है कि डिफाइन माउस, तो हमने माउस को हमने हमारा हम ये चाहेंगे कि हमारा जो पहला अगर क्वेश्चन माउस का है तो वो इस पेज पे आ जाए, ताकि वो जो पहला क्वेश्चन ही है वो ही इतना अच्छा इंप्रेशन डाले। और ये बात जरूर याद रखें कि जो एग्जामिनर है वो पहले पहले ही आपके जवाब से ये डिसाइड कर लेता है कि आपने आगे का पेपर किस तरह किया होगा। बहुत से एग्जामिनर इस तरह होते हैं। और आपकी जो राइटिंग है वो भी आपको, अगर आपके पेपर करीब आ रहे हैं तो आपको अपनी राइटिंग पर काफी तवज्जो देनी पड़ेगी। जो आप देते हैं, टेस्ट सेशन देते हैं, या जो आप दूसरे जो ट्यूशंस पे भी अगर जाते हैं, तो अगर उनकी आपको ये चीज अच्छी करनी पड़ेगी कि आपकी राइटिंग अच्छी हो, ताकि जो प्रेजेंटर है उसको ये चीज देखकर अच्छा लगे कि यार इस बच्चे की राइटिंग अच्छी है, इसने प्रेजेंट अच्छी तरीके से किया है। आपने ये देखना है कि पीछे जो आपने ना काटम कुटी नहीं करनी, इसलिए कि कभी आपने ये चीज अगर ये लिखा है तो दाग को आपने काट दिया, बहुत गंदा इंप्रेशन आता है एग्जामिनर पे। अगर आपने अगर काटना भी है तो आपने ना
तो आपने इस तरीके से काटना है कि अगर इस लाइक आपने ये वर्ड गलत लिख दिया तो आपने इस तरह दोनों की साइड पे एरोज लगाकर यहाँ पर दोनों साइड पे एक क्रॉस मार्क कर देना, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि आपने एक वर्ड नहीं अगला वर्ड लिखना है। आपने सबसे पहली हेडिंग अपनी इस तरीके से प्रेजेंट करनी है। अब जो दूसरी हेडिंग होगी, अगर आप उसको एक लाइन में भी लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा, वो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि वो एक सब हेडिंग होती है। आप उसको 604 से भी लिख सकते हैं, राउंड टिप मार्कर से भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप जितना एग्जामिनर को पॉइंट्स के अंदर अपना आंसर देंगे, वो उतना ही अच्छे तरीके से आपकी मार्किंग करेगा। ये बात बहुत ही अहम होती है कि आप जितना अच्छे तरीके से उसको आप पॉइंट्स में काम देंगे ना, वो उतना अच्छे तरीके से आपका काम एक्सेप्ट करता है और उतना अच्छे तरीके से आपको मार्क्स देता है। मैंने ये चीज काफी सुनी है टीचर से भी कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है इस तरीके की होनी चाहिए कि जो है कि आपका सारा कुछ उसके अंदर आ जाए। लेकिन मैं मुझे पता है कि जो मैंने बोर्ड के अभी एग्जाम्स भी दिए 9-10 के, तो मुझे इस चीज का पता है कि ये यहाँ पर अगर आपने लाइन लगानी है तो आपको काफी ज्यादा ना ऐसा होता है कि कभी कभार आपका टाइम नहीं मैनेज होता। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपका टाइम मैनेज होना जरूरी है। अगर आपका टाइम मैनेज नहीं होगा, आपका पेपर पूरा नहीं होगा। तो ऊपर पेपर अगर आपका पूरा हो भी जाए तो आप चेक करने का टाइम नहीं होता, या फिर आपका लाइनें लगाने का टाइम नहीं होता। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके एक प्रेजेंटेशन में, आपके एक पेपर में। अब बोर्ड का जो पेपर होता है वो एक खाली पेपर होता है। वैसे अगर हम एग्जाम वो पेपर देते हैं, हमने अकेडमी के दे दिए या ट्यूशंस के दे दिए, तो उनका ज्यादातर यहाँ पर ना लोगो होता है, आधा पेज तो उनका लोगो में ही निकल जाता है। तो फिर हम अपनी प्रेजेंटेशन लिखकर वो अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो बोर्ड की एक शीट होती है, उसके अंदर वो बिल्कुल खाली होती है। अब वो आपके ऊपर होता है कि आपने उसको किस तरीके से प्रेजेंट करके, आपने उसको क्या क्या चीजें लिखनी है कि आपके वो जो बंदा है वो देखकर उसको यार लगे कि हाँ ये बच्चे ने अच्छा अटेम्प्ट किया है। तो अब जिस तरीके से मैंने इस पेपर को अटेम्प्ट किया है, अब आगे आपने जितनी भी अटेम्प्टेशन करनी है, अपनी राइटिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपकी राइटिंग बड़ी हो, विजिबल हो। कुछ मेरी पहले राइटिंग 9-10 में बहुत छोटी थी, तो मुझे टीचर्स ने बोल बोल के कि आप अपनी राइटिंग बड़ी करो। अब मैं थोड़ा सा थोड़ा बड़ा लिखने लगा हूँ, तो इसलिए मेरे मार्क्स गेन करने में भी इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो अब अगर आप अपनी राइटिंग पे फोकस करेंगे तो बेहतर रहेगा। और इस तरीके से जिस तरह मैंने अब इसको प्रेजेंट किया, आप उसका उस तरह इसको प्रेजेंट करें, ताकि जो एग्जामिनर है वो भी इस चीज को चेक करके आपको मार्क्स अच्छे अच्छे दें, और आपके पेपर्स भी आने वाले फर्स्ट ईयर के 9-10 के। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।